मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग भारत की राजनीति में चमचा संस्कृति की उपज है। इनका न तो अपना कोई आधार है और न कोई वजूद है। भले ही कांग्रेस ने मजबूरी में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, दरअसल कांग्रेस किसी को अध्यक्ष नहीं बनाती, वो किसी चमचों को ही एक बार अपना जगह दे देती, तो उनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे इतने बड़े संगठन पर जो कहा कि उसका आजादी की लड़ाई में उनके कुत्ते भी नहीं थे, तो मैं उनको बता दूं कि भाजपा और आरएसएस वो कुत्ते वगैरह नहीं पाला करती है। यह काम तो कांग्रेस में सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का है, और खुद खड़गे जी अपना चेहरा देख सकते हैं आईना में। जिसके बलिदान की बात कर रहे हैं, तो बलिदान होना होता तो खड़गे जी खुद नहीं रहते। देश के का जो स्वाभिमान है, और स्वतंत्र पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का और तत्कालीन भारत की राष्ट्रवादी राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का तो उद्भव ही स्वतंत्रता के बाद हुआ, भारतीय जनसंघ का उद्भव ही स्वतंत्रता के बाद हुआ। तो यह बड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल है कि ये क्यों नहीं थे। खड़गे जी, मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों ने बलिदान दिया उनकी सारी फितरत, आप बलिदानियों को देखिए तो वो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की ही फितरत मिलेगी, उससे भारतीय जनसंघ की मिलेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके कांग्रेस में ही थे ना, आप ही लोगों की करतूत से, और आप फिर किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री की, क्या वो कांग्रेस अभी है क्या? तो कांग्रेस आई हो गई, ये तो कांग्रेस क्या है, ये चमचों की फौज है, इसमें विदेशी कल्चर हावी है। इसलिए करके खड़गे जी, आप जिस महत्वपूर्ण स्थान पर आज हैं, हालांकि कांग्रेस के प्रति मेरी सहानुभूति है, आप प्रतिदिन रसातल में यह पार्टी जा रही है, आपके युवराज 3000 किलोमीटर के बाद थक गए हैं, तो विदेशी मशीन है तो विदेश जा रहे हैं रिपेयर होने के लिए, इसलिए कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं उठता है। आप कोई मुकाबला इस पर नहीं कर सकते हैं, ये बेकार की बहस है। आप खुद को अपने चेहरा आईना में मिलाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस कुत्ते को बलिदान होना चाहिए। नाम, प्रणाम। राजेश जैन, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंगेर।